चांद सब कैसे हैं? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे खुश होंगे और मजे में होंगे तो आज की वीडियो में ना एकदम से ढांसो कलेक्शन दिखाने वाली हूँ दुबई टर्किश और कोरियर स्टाइल की मैक्सी की इस तरह की मैक्सीज अक्सर बाहर मुल्क में जो लड़कियाँ अपनी वेडिंग पर पहनती है इसके अलावा आप लोग देखा नहीं है जो बड़ी बड़ी लग्जरियस बर्थडे पार्टी या फिर ब्राइडल शावर होते हैं तो उस पर भी इस तरह की मैक्सीज वेयर की जा रही है हमेशा से आप लोग जानते हैं की मैं आप लोग के लिए ट्रेन के हिसाब से एकदम सस्ता माल कर निकाल देती हूँ जिससे आप लोगों के बजट में भी वो चीज आ जाए और आप करिए मस्त मस्त अरे अरे तो क्या कहा नहीं करोगे नहीं कर रहे चलो कोई गल नहीं सब्सक्राइब भी कर दो तो खाली हाँ जी तो इस बहन ने बड़ी ही मेहनत के साथ एक बहुत जबरदस्त मैक्सी मार्केट को खोज निकाली है मतलब मैक्सिकान टिड्डो

आपको पहनने पहनने की कोई जरूरत नहीं है बारह तेरह का तो यही खर्चा निकल आता है अलग से कैंडल लेने में अगर आप कोई सस्ती सी मैक्सी खरीद डालो लेकिन खैर से ये भी मैक्सी बहुत ज्यादा सस्ती है लेकिन हाँ क्वालिटी वाइज ये बड़ी है। तो देख करना वीडियो

ऐसा सीखते हैं नहीं ना ऐसा नहीं करना चाहिए अपनी जिंदगी में जो आपके पास है उसे खुश रहना चाहिए और जो नहीं है उसकी तमन्ना करने के साथ साथ उसके लिए मेहनत करनी चाहिए मेरी तो के के इसलिए बातें में 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 कर दी तो आप लोगों से इतने रही हूँ और, और भी है डेली व्लॉगिंग चैनल तो मैं इतनी बकबक बक करती हूँ तो उससे मुझे बहुत ज्यादा आदत हो गई है अगर आप लोगों ने व्लॉगिंग चैनल नहीं देखा तो जाके देख लें वरना इस वीडियो में आगे चल के ट्रेलर दिखा दूंगी मजे करिएगा अच्छा ये देख रहे हैं आप बेबी फ्रॉक्स पहले बड़ों की फ्रॉक्स फ्रॉक्स दिखाई फिर कुछ बेबी की फ्रॉक्स दिखा रही हूँ फिर उसके बाद में कुछ और आप लोगों को बड़ों की फ्रॉक्स दिखाऊंगी इनकी क्वालिटी से आप बेफिक्र रहे बहुत जबरदस्त थी बिल्कुल कोरियन स्टाइल की थी और इसकी जो प्राइस है ईच थर्टी फाइव हंड्रेड कोई से भी ले लो अभी मुझे बेबी इसकी फ्रॉक्स कभी भी पसंद नहीं आई लेकिन यहाँ पे पसंद आ गई दिल आ गया है इस फ्रॉक के हाथ में अब मेरे हक में देखिए अल्लाह क्या करे ठंडे जोक मार के आप लोगों को भैया आ गई होगी अब तो किसी ने कमेंट में ये लिखा कि मुंतहा बातें ज्यादा करती है उसे ना मैंने कान से पकड़ के अपने घर तक लेकर आना बिरयानी खिला के वापस भेजना है ये होता है मेरी मोहब्बत चलो शाबाश अपनी बहन के लिए प्यारी प्यारी सी कॉमेंट करो जल्दी 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 नेक्स्ट ब्लॉग में मैंने गिव अवे का अनाउंसमेंट करना है तो भाई उसके लिए वेट करो भाई बना रही हूँ ब्लॉग टाइम लगेगा अच्छा जी यहाँ पर ये वो ज्वेलरी है जो की आप लोग बहुत पसंद करते है बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस ना वाकई में अभी इसे अपनी वेडिंग

देख ले भाई आप लोग को फ्यूचर दिखा रही हूं मैं खैर अब यहां पे आप लोग पिंक कलर की टेल मैक्सी देख लिया ओ भाई साहब क्या इसकी टेल थी लेकिन पता है इसमें क्या है इसमें ना कैनकेन नहीं है एक बात मैं आपको मशवरा दूंगी मैक्सी के नीचे कभी भी रिंग कैनकेन नहीं पहने उसमें ना वो मज़ा नहीं आता जो मैक्सी में आना चाहिए मतलब लगता नहीं है आपको साफ पता चल रहा होता है कि मैक्सी तो फूली हुई थी नहीं आपने तो कैनकेन लगा के फुलाया है तो भाई मैक्सी के लिए एक स्पेशल कैनकेन आते हैं टेल वाली के लिए अलग आते हैं और दूसरी वाली के लिए अलग आते हैं साइड में लगा दूंगी मैं किस तरह के आते हैं पहले भी मैं दिखा चुकी हूँ लेकिन अभी सिर्फ से बता देती हूँ फ्रिल वाले कुछ कैन कैन करके आते हैं या तो वो मिल जाएंगे आपको बारह सौ तेरह सौ के बाजार से नहीं तो आप लोग कुर्तबा मार्केट से उसे स्टिच करा लीजिएगा ठीक है और स्टिच भी हो जाता है तो फिर अच्छा रहेगा आप लोग जब भी मैक्सी पहनेंगे ना या फिर कोई भी आप लहंगा भी पहनते हैं या घर पे कोई लोन की भी मैक्सी पहनते हैं लॉन की खैर से नहीं शेफून की अगर पहनते हैं और गेंजा की पहनते हैं उसके नीचे वो कैन कैन पहनेंगे ना भाई सब लिख कर दे देती हूँ मैं बहुत कमाल लगेगा कमाल अच्छा जी ये कॉर टील वाली मैक्सी दिखा दी क्या होता है एक और अच्छा जी फिर यहाँ पर आप लोग शॉप का कार्ड देखें यही शॉप का कार्ड अभी देखेंगे तो उसके बाद इन्हीं की शॉप पे आपको और वरायटी दिखाऊंगी मैंने सोचा सबसे बीच में कार्ड लगा ही देती हूँ नंबर वम्बर सारे मैं जिसपे कॉन्टेक्ट हो रहा होगा कर लेना ठीक है अच्छा ये पर्पल वाली मिक्स ये एक और बात बता दू यहाँ थोड़ी थोड़ी ज्यादा ज्यादा प्राइस बता देते हैं लेकिन आप लोगों ने जाना है इनसे बार्गेनिंग करवानी है पठान भाई इतने अच्छे होते हैं ना कि अगर इनके पास खाली उठ के जाने लगो ना तो पता है क्या बोलते हैं बाजी आ जाओ ले लो कितने बोल रही हो कितने बोल रही हो, बोल रही हो कम कर देंगे चलो बता दो ऐसे जाने लगोगे ना तो कम कर लेते हैं ऐसा नहीं है कि कम नहीं करेंगे भगा देंगे कुछ होते हैं जो कम नहीं करते अपनी बात पर अड़ जाते लेकिन बहुत सारे कम कर लेते हैं तो पठानों के साथ डीलिंग में मुझे तो बड़ा मजा आता है बड़े प्राइस कम करते जो पठान मुझे देख रहे हो जल्दी से लाइक करो लाइक करो लाइक करो हाँ जी तो नाजरीन ग्रामीण सामय और उनकी फैमिली के मेम्बरीन मैंने अब अपना व्लॉगिंग चैनल का थोड़ा सा लिंक लगा दिया है लिंक बोल रही हूँ वीडियो लगा दिए तो जरा इसको भी वॉच कर लीजिए है ना From the dust, I was born to the dirt. I shall return when my eyes are closed in the shadows. My enemy. Think they won, but I'm here to stay, Destiny. आ गए वापस मजा आया ना ब्लॉग देख के तो भाई हमारे फैमिली ब्लॉग देखने के लिए ब्लॉगिंग चैनल सब्सक्राइब करे भाई मजा आ जाएगा अगर ब्लॉगिंग चैनल एक बार देख लोगे ना मन तो मुड़ के वापस भी नहीं आओगे अरे, 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 अरे मेरे क्या बोल दिया नहीं नहीं ऐसा मत करना ऐसा मत करना आना वापस आना वापस आना बस आ रही हूँ

किस कि वो सब दिखाई कोई मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं क्योंकि पिछली जितनी भी मैक्स चीज की वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद भी की और इस पे मैं सब डिटेल्स आप लोगों को बहुत बार दे चुकी हूं वो वीडियो नहीं देखी तो जाए मैक्स की वीडियो दिखे और आप बल्कि छोड़ो मैं नहीं पूछ रही मैं पूछने वाली थी लेकिन मैं नहीं पूछ रही मैं खुद ही आप लोगों को सरप्राइज दूंगी मैंने तो मैंने सोचा कि मैं इंशाल्लाह आपको रमजान में एक बहुत जबरदस्त सरप्राइज देने वाली हूँ सरप्राइज का वेट करना है तो नहीं करें चैनल को सब्सक्राइब कर ले नोटिफिकेशन आ जाएगा खैर आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग के क्या हाल चाल हैं और क्या शादियों की तैयारियां हो रही हैं शादी की तैयारी सॉरी ये नहीं बोलना था मुझे ईद की तैयारियां हो रही है नहीं हुई और ईद के बाद किस किस की शादियां होने वाली हैं वो मुझे तो जरूर बताइएगा क्योंकि ईद के बाद काफी सारे लोग फॉरन शादियां रखते हैं अच्छा आप देखेंगे साढ़े पाँच हजार वाली वेरायटी है और इसमें मेरे ख्याल से दुपट्टा भी कह रहे थे भाई के साथ मिलेगा और कुछ मैक्सीज हैं बल्कि मोस्ट ऑफ द मैक्सीज़ के साथ दुपट्टा है और दुपट्टा अच्छा खासा बड़ा था और जिस फैब्रिक पे मैक्सी उसी फैब्रिक पे दुपट्टा आपको मिलेगा देखिए ये टेल वाली मेकॉल मैक्सी गई है और नौ हजार रुपए इसकी मेरे ख्याल से प्राइस है प्राइस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर चुकी हूं और कर भी दी है और अच्छा मुझे इसका सिस्टम बहुत अच्छा लगा कि ना जिप नहीं है पीछे आप आराम से अपनी वेस्ट के हिसाब से ना स्ट्रिप से ल, जो है मैक्सी को टाइट या लूज कर सकते हैं अगर आप अपनी सेम मैक्सी लेते हैं और चाहते हैं कि आपकी बेबी की भी सेम मैक्सी है लेकिन डिफरेंट डिजाइन में जाहिर है मिलेगी और डिफरेंट कलर में तो नहीं सेम कलर ऑलमोस्ट मिल जाएगा तो आप लोग वो भी यहाँ से परचेज कर सकते हैं एक तरह से मदर डॉटर सेम सेम पहने ईद ईद पर पहने अपनी मर्जी जिस पे भी पहने किसी भी इवेंट ईद के बाद आ रही है ईद से पहले कोई इवेंट आता है कोई भी इफ्तार पार्टी होती है आपके घर में रिलेटिव के साथ तो आप लोग वो सब कुछ पहन सकते हैं और अपने घर में तो मैक्सी वैक्सी पहनना चलता ही है ये अच्छा भी लगेगा और ये इतनी हैवी कोई मैक्सी नहीं है कि आप इसे पहन नहीं सकते किसी अच्छे छोटे मोटे इवेंट पर और ज़रूरी नहीं कि इन्हें बड़े इवेंट पर पहने जाए आप छोटे इवेंट पर भी पहन सकते हैं ये कोई इतनी ज़्यादा वो एक्स्ट्रा लेवल वाली मैक्सी नहीं है जो कि फ्लोर से लगे तो मैक्सी गंदी हो जाए जिसके लिए फ्लोर साफ चाहिए ऐसा कुछ नहीं होगा ठीक है मैं अपनी मम्मा को ना हमेशा कहती थी अम्मी मुझे लंबी लंबी घेर वाली और पूरी ज़मीन तक की मैक्सी अम्मी कहती थी कि ये वाली ज़मीन ऐसी कौन है जिस पर तुम मैक्सी पहन के मतलब कि यू नो घूमो फिरो इस तरह से लगेगा कि तुम जो है मैक्सी से अपनी झाड़ू पोछा लगा रही हो और पूरी मैक्सी को ख़राब कर दोगी बर्बाद कर दोगी मेरे पर्सों का लेकिन मैं ना असल में ना ज़्यादातर इसको मूवीज़ वगैरह में इन तरह की मैक्स इस तरह की मैक्सी को देखती थी जो कि मतलब फोटो शूट्स में कर रही होती थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था तो बस मैं अपनी ख्वाहिश के इजहार करती थी लेकिन मेरी मम्मा बातें सुना कि मेरे मुंह पे तमामचा मारती थी बातों का <laughs> कौन कौन मेरा ये दुख समझ सकता है जो समझता है वो नीचे कमेंट कर दीजिए आज मैं इतना ज़्यादा कमेंट पर फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कमेंट करना मुझे बहुत पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और उनका जवाब देना तो और ज़्यादा अच्छा लगता है जवाब क्या होता है जवाब खैर से यहाँ पर आप लोग आज ना मैंने एक नया वर्ड पकड़ा है खैर से मेरी भाभी और मेरी बहन भाई कह रहे थे कि मुंता तुम ना ठीक है सही है, और बहुत और कुछ और भी मेरे दो तीन वर्ड है उसको बड़ा मतलब वो करती है वीडियो में रोस्ट करती रोस्ट क्या सॉरी उन वर्ड को बहुत ज़्यादा एक तकिया कलम तुमने अपना बनाया हुआ है तो मुझे बड़ी हंसी आती है खुश होता है खुश होता है खुश ये बात सुन के बहुत खुशी होती है और अभी भी इतनी ज़्यादा तो खुशी हो रही है कि मेरे से अल्फाज उलट पर निकल कर ले। तो उसके लिए लिएरत और यहाँ रमज़ान आने वाला है और रमज़ान की आप लोगों को ढेर सारी मुबारकबाद दो तीन दिन में रमज़ान है मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा इस मुबारक महीने में अल्लाह आप लोगों के जो रोज़े आगे रखने वाले हैं वो सब कबूल कर फरमाए और रमज़ान की तो भाई एक महीना पहले से ही ख़ुशी होना शुरू हो जाती है एक दो महीने पहले से और उसकी तैयारियाँ तो लोग पहले से ही करना शुरू कर देते हैं बस अल्लाह उनको हिदायत जो रमज़ान में इतना महंगाई कर देती है दिल

बनाई ही नबी मैंने गलत बोल दिया है <laughs> तो यहाँ पर ये मैक्सी है ब्लू कलर की इस पे सारा का सारा बॉडी पे कट दाना पर्ल पर्ल नहीं सॉरी वो जो एक जो कट दाने का छोटा हिस्सा होता है ना उसका वर्क हुआ हुआ है और बड़ा प्यारा लग रहा था यह वैक्सी एक और बात जिसने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया और इसके अलावा मैं फेसबुक पे भी हूँ टिकटॉक नहीं आप क्या बोलते हो उसको स्नैक वीडियो अगर उस पर फॉलो नहीं किया तो कर लो वीडियो तो मैं स्नैक वीडियो पे कुछ डालती हूँ नहीं चाहो तो नहीं फॉलो करना लो लेकिन इंस्टाग्राम फेसबुक पे जरूर और इसके अलावा अगर आप

बहुत लग रही थी ये पाँच हज़ार की है और नेक्स्ट रेड वाली छः हज़ार की है तो मुझे ब्लैक वाली बहुत पसंद आई क्योंकि उसकी बॉडी भी बहुत अच्छी थी ये सेकेंड ब्लैक वाली उसकी बॉडी का स्टाइल बहुत ज़बरदस्त था सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इसके रेट से और कुछ मैक्सीज पे हैंड वर्क भी आपको मिलेगा कुछ पे क्रिस्टल वर्क भी मिलेगा जैसे कि ये नेक्स्ट मैक्सी है इस पर क्रिस्टल वर्क है सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ के रेट से इसके तो भाई मैंने आज आप लोगों को बहुत डिटेल टेल्ड वीडियो दिखाई है बच्चों की मैक्सी भी दिखा चुकी हूँ ये देखिए सारा काम चेक करें कितना कोई कमाल हुआ है अच्छा एक और बात रमज़ान के ना मैंने सोचा है कि भाई मैं ना वन से लेके डे वन से डे थर्टी तक के पूरे व्लॉग बनाऊँगी ईद का भी व्लॉग बनाऊँगी तो भाई उसको देखने के लिए आओ यार व्लॉगिंग चैनल परूज़ दोस्त पर अभी तक सिर्फ हज़ार तक व्यूज़ पहुंच पाते हैं लेकिन खैर से जो भी अल्लाह का शुक्र है और मैं जब मेरे ब्लॉगिंग चैनल इंशाल्लाह थोड़ा सा ग्रो हो जाएगा ना तो फिर मैं ये वीडियो देखूँगी और फिर मैं बोलूँगी कि हाँ मुझे उस वक्त कम व्यूज़ देते थे आप लोग हम्म तो देते दे थो तो व्यूज़ अच्छा जी आई होप कि आज की वीडियो में आप लोगों को भरपूर मज़ा होगा शशके मिले होंगे खूब मेरी चटपटी बातों से आप लोगों ने खूब एंजॉय किया होगा ये मैं खुद अपने से बोल रही हूँ मेरी चटपटी बातें क्योंकि मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छी बातें करती हूँ सबके दिल बाग बाग हो जाते हैं और आई होप कि आप कॉमेंट के ज़रिए मेरा दिल भी बाग बाग कर देंगे ऐसा ना करिएगा कि मुझे अब कर दें और मैं रो पढ़ूँ तो रोती तो मैं हूँ नहीं वैसे जब रोती हूँ बहुत चिल्ला चिल्ला के रोती हूँ पूरी अवाम को पता चल जाता है और यहाँ

I love this. Thank Bye-bye. <laughs>